पेपर बिलिंग की झंझट से पाएं छुटकारा। माई बिलबुक ऐप से जीएसटी बिल बनाएं और शेयर करें, स्टॉक मैनेज करें और पार्टी से लेन देन का पूरा हिसाब भी रखें। आज ही डाउनलोड करें माई बिलबुक ऐप प्ले स्टोर से बिल्कुल फ्री में। पाताल में आतंकियों का ठिकाना बेनकाब। जमीन के भीतर कई फीट गहरी खोदी थी सुरंग। सांस लेने के लिए पाइप का करते थे इस्तेमाल। सेना ने मिनटों में किया पर्दाफाश। जी हां, सुनने में थोड़ा अजीब है पर कटु सकते हैं ये। सेना की नजरों से बचकर रहने के लिए आतंकियों ने जमीन के नीचे कई फीट गहरा सुरंग खोदकर एक कमरा तैयार किया था। सुरक्षा बलों ने इस लश्कर तैयबा के इस ठिकाने का भंडाफोड़ कर दिया और एक आतंकवादी के सहयोगी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक सुरक्षा बलों को दक्षिण कश्मीर के जिले के चंधारा पंपोर गांव के अवंतीपुरा इलाके के एक घर से लश्कर तैयबा के आतंकवादियों के छिपे होने की पुख्ता सूचना मिली थी, जिसके बाद उन्होंने तड़के सुबह तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान एक गौशाला में आतंकवादियों का ठिकाना मिला, जिसे सेना ने नष्ट कर दिया है। पुलिस ने जिस लश्कर के एक आतंकवादी के सहयोगी को गिरफ्तार किया है उसका नाम है आदिल अहमद शाह। वो चंधार पंपोर का निवासी है। अधिकारी के मुताबिक ठिकाने से अपराध में होने वाले सामग्री और गोला बारूद का एक बड़ा जखीरा मिला है, जिसमें AK-47 राइफल और 26 कारतूस शामिल है। अधिकारी के मुताबिक इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया गया है। इस दौरान सुरक्षा बलों ने इस ठिकाने का एक वीडियो भी बनाया है। आप भी देखिए कि आतंकी सेना से बचने के लिए क्या क्या हथकंडे अपना रहे हैं। ठीक है यह हेड आउट बहुत तगड़ा हेड आउट बना रहा है। यह भट्टे जिसके ऊपर सोते हैं कम से कम 6 से 7 आदमी आ सकते हैं। देखो इसके ऊपर पूरा सीमेंट से बना है पूरा चांदी। ये 2 दीवारें और प्लस 3 दीवार, ये 3 दीवारें मिट्टी की है और 1 दीवार इसकी सीमेंट की है। हाँ सर, हाँ आ गया हूँ। और ये है इसके सांस लेने वाले पाइप, 2 पाइप बना रहे हैं। इसको रस्सी लो सर, ऐसे नहीं खींचेगा, ऊपर से सर, ऊपर से सर हो गया लो। ऊपर आएगा पूरा नीचे से बहुत नीचे गहरा है। हाँ हाँ आ जाओ आ जाओ आराम से आओ। देखो कैसे बंदा ऊपर आ रहा है, बिल्कुल एक बंदे की जगह बंदा ऊपर नीचे हो गया। इधर से बंदा अभी ऊपर चढ़े, अंदर तो बहुत एक बड़ा रूम है।